जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से एक प्रपोजल है कि गंगा जल का प्रयोग हो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, इस बात को लेकर, हालांकि आईसीएमआर ने बाद में इसे खारिज कर दिया था, लेकिन इस बात को लेकर जरा मैं स्पष्टीकरण मैं समझना चाहूंगी इसके पीछे की सोच क्या थी। देखिए, गंगा के पानी के गंगत्व को लेकर के इस नदी पर काम करने वाले अनेक शोधार्थियों ने अनेक तरह की अपनी स्टडीज को, रिपोर्ट्स को रखा है। उन्होंने इस बात को लेकर के, जिसको हम सब मानते हैं कि गंगा के जल को यदि एक पात्र में भर करके 100 वर्ष तक भी रख दिया जाए तो उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया पैदा नहीं होता, उसमें सेल्फ क्यूरेटिव ऐसी प्रॉपर्टीज पाई गई। इससे पहले भी जो है वो अनेक संस्थानों ने अध्ययन किया था और उन्होंने ये पाया है कि गंगा के पानी में अन्य नदियों के पानी की अपेक्षा कुछ जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज अवश्य हैं। गंगा के प्रवाह क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे शोधार्थियों ने पत्र लिख करके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को आवेदन किया था, आग्रह किया था कि इस समय में क्या ये पानी इस तरह के उपयोग में आ सकता है या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अगर ऐसा है तो इसकी जांच की जानी चाहिए। हमने उन सारे पत्रों को आईसीएमआर को आगे के अध्ययन के लिए फॉरवर्ड किया था कि आप यदि उपयुक्त समझें तो आप इसको जो है वो अपनी तरफ से अध्ययन करवा लें, लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि ऐसा अध्ययन करना अभी न तो समीचीन है और न अनुकूल है। ठीक है, हमारे पास में जो विषय आया था हमने आगे उसको आईसीएमआर, क्योंकि इस विषय में काम करने वाली संस्थान है, हमने उसको भेजा था। मतलब अध्ययन के लिए आपने वो चिट्ठियां भेजी थी दूसरों के, जो बाकी इन्हें भेजा था। अच्छा, एक दिलचस्प आंकड़ा है WHO की तरफ से शिकावत जी, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। WHO के अनुसार, क्योंकि हम देश में भी कहते हैं कि आप अपने हाथ कई बार धोएं, उसका कहना है कि एक 20 सेकेंड हैंड वॉश, 4 से 5 गिलास पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए, विच इज अबाउट 1.5 लीटर्स। ये अज्यूम किया जाता है कि एक व्यक्ति अगर 15 से 20 बार अपना दिन में कोरोना के समय में हाथ धो रहा है तो 75 से 100 लीटर की एडिशनल आपूर्ति की जरूरत होगी। क्या ये अनुमान एक अतिशयोक्ति है या फिर आज की सच्चाई है? देखिए, मुझे लगता है कि WHO में जो वैज्ञानिक या जो WHO में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे उन देशों से आते हैं जहां पानी प्रचुरता के साथ में उपलब्ध है, 24 घंटे टैप वाटर आता है। उनके हाथ धोने के तरीके, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं पश्चिमी राजस्थान के सुदूर जो है रेगिस्तान से, उसके हाथ धोने के तरीके में बहुत फर्क होगा। हम खाना खा करके हाथ धोने में हमको जितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, शायद मुझे लगता है कि हम तो हाथ तो हम भी उतने ही स्वच्छ करते होंगे, हमारे भी हाथ उतने ही स्वच्छ होते होंगे जितनी उनको आवश्यकता पड़ती है, उसकी तुलना में 10वां हिस्सा भी नहीं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप नल खोल करके साबुन हाथ में लेकर के 20 सेकंड तक का हाथ जो है अपने साबुन हाथ से मलें, और उस समय तक आपका नल खुला रहे तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको 1.5 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, 2 लीटर की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक बार हाथ गीले करके साबुन लेकर के मलें और उसके बाद में अगर हाथ धो दे तो मुझे लगता है आदमी जो है 200-300 ml में भी अपना काम चला सकता है। हमने जल संरक्षण को लेकर के जल के जो अभियान चलाया था उसमें साथ साथ में इस विषय को भी रखा था, और मैंने तो व्यक्तिगत रूप से लोगों से आग्रह भी किया था और एक कैंपेन भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वेब मीडिया के माध्यम से चलाया था कि ये समय जब हमको पानी का उपयोग करने की, अधिक पानी का उपयोग करने की आवश्यकता है, बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, तो हम जल का उपयोग करते समय विवेकपूर्ण ढंग से करें ताकि इसके कारण से कोई चुनौती न खड़ी।